दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत और इसराइल के बारे में, क्योंकि इसराइल से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि इसराइल ने अभी इस बात की पुष्टि की है कि हमास और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में भारत द्वारा हथियारों की मदद इसराइल को भेजी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रूफ के साथ इसराइल ने किस तरह से इस बात को एडमिट किया है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अभी तक इस न्यूज को कहीं पर भी कवर नहीं किया गया है, लेकिन धीरे धीरे मेनस्ट्रीम मीडिया में भी ये खबर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस पूरी अपडेट को। दरअसल पिछले एक डेढ़ महीने से कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा था कि भारत द्वारा इसराइल को रॉकेट, गोला बारूद और ड्रोन की सप्लाई की जा रही है। यहां तक कि एक जहाज जो कि इसराइल जा रहा था, स्पेन की विदेश मंत्री द्वारा ये दावा किया गया था कि इसमें 27 टन गोला बारूद मौजूद है और भारत इसे इसराइल में भेज रहा है क्योंकि इसमें हथियार है, इस वजह से हम इसे अपने यहां पर रुकने की परमिशन नहीं दे रहे। ये दावा स्पेन की तरफ से किया गया था, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी दी थी। हालांकि उसके बाद अचानक चेक रिपब्लिक ने ये दावा किया कि भारत द्वारा ये हथियार उनके देश में सप्लाई किया गया है, न कि इसराइल में। हालांकि चेक रिपब्लिक द्वारा यह स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा शक पैदा कर रहा था, क्योंकि भारत और चेक गणराज्य के बीच में ऐसी कोई डील की खबरें सामने नहीं आई थी और अचानक से 27 टन गोला बारूद उस देश में भारत भेज रहा है, ये संदेह पैदा कर रहा था। हालांकि उसके बाद से सिर्फ हर्मस ड्रोन की ही खबर सामने आई थी कि भारत हर्मस ड्रोन इसराइल को दे रहा है, उसके अलावा कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई। लेकिन पाकिस्तानी न्यूज चैनल वगैरह और दुनिया के अन्य न्यूज चैनल ये बार बार क्लेम कर रहे थे कि भारत इसराइल को हथियारों की सपोर्ट पहुंचा रहा है, क्योंकि बीच में अमेरिका द्वारा हथियारों की सप्लाई इसराइल को भेजा जाना बंद कर दिया गया था। उसके बाद से ही भारत एक्टिव हो गया और भारत इसराइल को हथियार देने लगा, लेकिन भारत ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी। हालांकि दोस्तों अब इसराइल के द्वारा ये माना गया है कि भारत से लगातार हथियारों की सप्लाई उनके देश में आ रही है और इसके लिए बकायदा इसराइल ने भारत को धन्यवाद भी किया है। चलिए दोस्तों अब आपको प्रूफ दिखाते हैं। दरअसल इसराइल के एक जर्नलिस्ट है हनान्या नफ्ताली। अब दोस्तों ये कोई ऐसे वैसे पत्रकार नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के डिजिटल सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर नेतन्याहू के साथ इनकी फोटोज भी देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय एम्बेसडर वगैरह के साथ भी उनकी तस्वीर और होली वगैरह सेलिब्रेट करते हुए उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब इनके बारे में बताना इसलिए जरूरी था जिससे आपको न्यूज की ऑथेंटिसिटी पता लग सके। इन्हीं के द्वारा दो पोस्ट किए गए हैं, जिसमें से पहला पोस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है जय हिंद जय इसराइल और नीचे दो लॉयन की पिक दोनों देशों के फ्लैग के साथ है। ये पोस्ट तकरीबन 4 दिन पहले इनके द्वारा किया गया था और ये इंडिकेशन था कि भारत इसराइल की मदद इस युद्ध में कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने दूसरा पोस्ट किया, जो कि अब से 20 घंटे पहले ही किया गया है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि वाओ, इंडिया हैज बीन सप्लाइंग इसराइल विद आर्टिलरी शेल, लाइट वेपन्स और ड्रोन सिंस द वॉर विद हमास बिगन। वहीं नीचे इन्होंने लिखा है इंडिया प्रोवाइडेड इसराइल विद एडवांस हर्मस 900 ड्रोन्स मेड इन हैदराबाद। हालांकि हर्मस ड्रोन प्रोवाइड करने की खबर को भारत की तरफ से भी माना गया है, लेकिन गोला बारूद और आर्टिलरी की खबर को भारत की तरफ से ना ही माना गया है और ना ही इनकार किया गया है। आप स्क्रीन पर द हिंदू का आर्टिकल भी देख सकते हैं। इसमें इसराइली फॉरेन एम्बेसडर द्वारा ये कहा गया है कि 1999 में जो करगिल युद्ध में भारत को इसराइल द्वारा सपोर्ट किया गया था, अब भारत इसराइल को गाजा कॉन्फ्लिक्ट में सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि करगिल युद्ध में इसराइल उन चुनिंदा देशों में से एक था जो कि भारत के साथ खड़ा था और उसने सैटेलाइट मदद के साथ साथ गोला बारूद में भी भारत की काफी मदद की थी। यही कारण है कि भारत की तरफ से भी इसराइल की बढ़ चढ़कर मदद की जा रही है। हालांकि दोस्तों हमने जो भी खबरें बताई है ये इसराइल के फॉर्मर एम्बेसडर और इसराइली जर्नलिस्ट द्वारा ही सामने आई है। भारत के द्वारा ऑफिशियली अभी इस पर बयान सामने नहीं आया है कि भारत इसराइल की मदद हथियारों के मामले में कर रहा है या फिर नहीं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री द्वारा ये पहले ही कहा गया है कि जो आतंकवादी हमला इसराइल के ऊपर हुआ था उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और आतंकवादियों का खात्मा बेहद जरूरी है। साफ है कि भारत मासूम लोगों की जान जाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत ये भी नहीं चाहता कि आतंकवादियों को छोड़ा जाए। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से गाजा युद्ध में भारत की पोजीशन पर आपकी क्या राय है, क्या ये सही है नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और
अगर आप इसराइल को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ जय इसराइल जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।